सितंबर 2024 जब लेबनान के कई इलाकों में अचानक लोगों के पास रखे पेजर डिवाइस फटने लगे। इस हमले में हिजबुल्ला ही नहीं पूरी दुनिया को शक था कि इजराइल का ही हाथ था। इजराइल की मोसाद एजेंसी इसी स्टाइल को फॉलो करती रही है। खैर, इजराइल ने इस हमले को लेकर कभी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन 10 नवंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कबूल कर लिया कि इस पेजर अटैक का आदेश उन्होंने ही दिया था। हिजबुल्ला पर हुए पेजर हमले को लेकर इजरायल की तरफ से पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि हमले की मंजूरी पीएम ऑफिस से दी गई थी। इस हमले में हिजबुल्ला के करीब 40 से ज्यादा लड़ाकों और सहयोगियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि लगभग 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान समर्थित हिजबुल्ला के लिए यह हमला उसकी कमर को तोड़ देने वाला था, क्योंकि संचार के लिए पेजर ही उसका मेन सोर्स थे। ऐसे में जब पेजरों में विस्फोट होने लगे तो पूरे संगठन में अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्ला ने इसके लिए इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्त्री ने हमलों के बारे में जानकारी दी है और AFP से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही रविवार को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ही लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के बाद जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो लेबनान से हिजबुल्ला ने लगातार इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन्स के जरिए हमला किया। इसके जवाब में इसराइल ने पेजर अटैक का सहारा लिया, जिससे हिजबुल्ला का पूरा संचार तंत्र तबाह हो गया। इसराइल की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हिजबुल्ला पहले ही मोबाइल और आधुनिक उपकरणों का उपयोग ना करके पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता था, ताकि उन्हें कोई हैक ना कर सके या इजरायली उनकी इंफॉर्मेशन तक ना पहुंचे। इसमें धमाकों के बाद हिजबुल्ला और कमजोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी खुफिया जानकारी की मदद से UN महासभा में अपने भाषण के ठीक बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्ला चीफ को मार गिराने का आदेश दे दिया। पहले से ही तैयार बैठी इजरायली सेना ने एक ही हमले में चीफ नसरल्लाह को मौत की नींद सुला दिया। पेजर अटैक के बाद हिजबुल्ला का पूरा सिस्टम हिल गया था और ये बात इसराइल को बखूबी मालूम थी कि यही सही समय था एक बड़ा अटैक करने का। इसीलिए नसरल्लाह को मारने के लिए इसराइल ने ज्यादा समय नहीं गवाया। फिलहाल इस हमले में किसका हाथ था, क्या मोसाद ने इसकी प्लानिंग की थी, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पेजर धमाके जिस तरीके से हुए थे उससे यही कहा जा रहा है कि वो स्टाइल मोसाद का ही था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।